मैं तो हमारा शो भी यही प्रमोट कर रहा है कि ज्वाइंट फैमिली प्रीटी, मतलब यू आर ब्लेस्ड इफ यू आर इन अ ज्वाइंट फैमिली। नाश्ता तो दो। हाँ नाश्ता दीजिए ना, चलो ना। आज हमारे साथ है अंजलि तत्रारी और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं इनके आने वाले शो के बारे में, जो कि एक बहू का कैरेक्टर जिसमें ये निभा रही हैं और एक जॉइंट फैमिली में जाती हैं जिसमें ढेर सारे मर्द हैं और उसमें कोई भी औरत नहीं है। ये बताइए अंजलि, ऐसी फिल्में हम देख चुके हैं, सत्ते पे सत्ता हम देख चुके हैं, कि सास बिना ससुराल, इनफैक्ट सोनी पे ही आया था कि एक ऐसा शो था। हाउ डिफरेंट इज दिस शो फ्रॉम द प्रीवियस शोज? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर प्रोनाउंसिंग माय सरनेम राइट। सो सास बिना ससुराल और सरगम की साढ़े साथी में आई थिंक सिर्फ एक ये सिमिलैरिटी होगी कि वहां पे भी सिर्फ एक फीमेल थी और यहाँ पे भी एक फीमेल है और अदरवाइज कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि ये completely different है, क्योंकि एक comedy show है, it's a sitcom, तो वो it was more on like slice of life, यहाँ पे characters बहुत ही unusual characters हैं। अपने सत्ते पे सत्ता देखी है, उसमें भी एकदम big हाँ जी देखी है, के अंदर उसमें हेमा मालिनी आती और बहुत सारे उनके वो antics मुझे याद आते हैं और उनके जो songs वगैरह बड़े मजेदार थे and you know then they bring seven girls। यार हमें किस मोड़, I remember this song from that film। शोर ना मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। हाँ हाँ राइट राइट राइट, आपके देवर भी यही गाना गाएंगे। हाँ वो लोग काम ही ऐसे करते हैं कि मेरे को तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये लोग कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं। सरगम हैज आल्सो बिकम सो यूज्ड टू दीज मेन इन द फैमिली कि उसको पता है कि कुछ ना कुछ आज के दिन मतलब उठ के फ्लो में चली जाए बस चीजें, क्योंकि उसे पता है कुछ फ्लो में जाने नहीं वाला है, कोई ना कोई एक इंसान आके कुछ ना कुछ तो फैला ही देगा गंध घर पे। सो बहुत यूज टू हो गई है, बट अगेन लाइक आई सेड जितनी मस्ती है उतना प्यार भी है। अंजलि हम आपसे जो भारत की ज्वाइंट फैमिली है, इंडियन ज्वाइंट फैमिली कल्चर है, उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले बताइए साढ़े साथी मोमेंट जो आपने कहा था वो क्या है, सरगम की साढ़े साथी, तो इसमें साढ़े साथी मोमेंट आपने मेंशन किया वो क्या है? तो आपको ये एपिसोड्स में दिखने मिलेगा कि कैसे फैमिली वाले, क्योंकि इतने अतरंगी कैरेक्टर्स इतने अतरंगी है, तो रोज अपने आप को एक ऐसी डाल देते हैं कि लगता है कि यार ये ऐसा भी कर सकता है कोई इंसान, मतलब ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो वो फनी में कैसे हम लोग फंस जाते हैं और कैसे सरगम के वजह से पूरी फैमिली साथ में जुड़ी हुई है वो देखने के लिए मिलेगा। और साढ़े साथी और मेरा तो बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है कि हर एक चीज मेरे साथ 7:30 बजे हुई है, मतलब पैदा 7:30 बजे हुई हूँ और शादी भी जब हुई तो 7:30 बजे का मुहूर्त निकला, उसके बाद फेरे भी मैंने 7 के बजे ले लिया, आधा एक्स्ट्रा ले लिया था। तो हर एक चीज 7:30 बजे हुई है और अभी भी शादी करने के बाद भी 7:30 लोगों के बीच में रही हूँ मैं, तो अच्छी 7:30 भी है बुरी 7:30 भी है, बट सरगम और 7:30 का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कि जो आपका शो है इट इज टॉकिंग अबाउट बिग फैट इंडियन जॉइंट फैमिली, तो आप अपने साइड से, क्योंकि आप पिथौरागढ़ से आते हैं जो कि एक स्मॉल टाउन के कैटेगरी में ही होता है और आपने काफी वक्त गुजारा है वहां पे, आपने देखा है कि वहां की फैमिलीज किस तरह की होती है, तो ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जॉइंट फैमिली को लेकर? यही कि जैसे मैं बोल रही हूँ, जो ज्वाइंट फैमिली में वो क्रेव करता है एक न्यूक्लियर फैमिली के, जो न्यूक्लियर फैमिली में वो क्रेव करते हैं ज्वाइंट फैमिली के, आई थिंक जहां पे भी हो ना यूर इन अ गुड पोजिशन, क्योंकि साढ़े साथी मोमेंट्स तो आनी ही है। जैसे सरगम भी अगर ज्वाइंट फैमिली में है, भले ही वो उसके साथ इतनी स्ट्रगल्स होती है रोज की, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ के अप्पू के साथ कहीं और रहने चली जाऊँ, न्यूक्लियर फैमिली में चली जाऊँ, क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली का भी मजा है। जैसे मैंने बोला कि बाय द एंड ऑफ द डे कैसे वो सब लोग सरगम के लिए खड़े होते हैं साथ में, और ज्वाइंट फैमिली भी यही है कि भले ही आपको अपना स्पेस चाहिए होता है, आपको लगता है कि यार बहुत लोग हैं घर पे, वी नीड आवर स्पेस, हाँ बट उसमें भी एक अलग मजा है, क्योंकि आपको पता है कि देर आर पीपल जो आपके लिए केयर करते हैं, देर आर पीपल टू मोटिवेट यू एवरी नाउ एंड देन। तो मैं तो हमारा शो भी यही प्रमोट कर रहा है कि ज्वाइंट फैमिली प्रीटी, मतलब यू आर ब्लेस्ड इफ यू आर इन अ ज्वाइंट फैमिली, क्योंकि
आई मीन आई मेरे को तो ऑफकोर्स फॉर वर्क आई हैड टू लीव द टाउन, क्योंकि छोटा हिल स्टेशन है तो आफ्टर अ वाइल आपको निकलना ही पड़ता है, बिकॉज देर आर एजुकेशन वाइज कॉलेजेस इतना अभी नहीं है वहां पे, कोर्स कुछ ना कुछ कोर्स करने के लिए यू हैव टू लीव द टाउन और आपको आना पड़ता है यहाँ पे. तो अदरवाइज आई सो मिस माई फैमिली, आई सो बट आई एम इन टच विद देम, मैं पूरा टाइम उनके साथ टच में रहती हूँ. और अब जाके वो चीज रियलाइज होती है कि एक्चुअली ज्वाइंट फैमिली के साथ रहने की बात ही कुछ अलग है. बट यहाँ पे भी टच उड़ा स्टे विद माई मॉम, एंड आई फील सो बैड फॉर पीपल जो यहाँ पे अकेले रहते हैं, एंड यू नो शूट के बाद दे गो होम और वहां पे भी अकेले हैं, दे डोंट रियली हैव पीपल टू टॉक टू. तो वो रोज का जो ज्वाइंट फैमिली की चिक चिक रहते हैं ना, आई थिंक दैट देयर इज फन इन दैट आल्सो. जैसे आप तो बहुत यंग है तो ऑब्वियसली अभी नहीं सोचा होगा शादी के बारे में, लेकिन कहीं होता है कि यू नो आप ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो वैसे कैरेक्टर प्ले करते करते एक थॉट आ जाता है, अच्छा मेरी जो ससुराल होगी वो कैसी होगी. तो इसलिए आई थिंक अगर मेरे को ऐसा ससुराल इन रियल मिल गया ना, तो फिर तो आई एम गोना हैव अ गाला टाइम, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशंस मेरे घर वाले ही करेंगे तो मेरा आधा टाइम तो हंसते हुए ही जाने वाला है, क्योंकि मैं भी शो में भी हंसते ही रहती हूँ पूरा टाइम, ऑन ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, एवरीबडी इज मैड. सो आई थिंक इट विल बी फन बीइंग इन अ फैमिली लाइक दिस यार, लाइक अ मैड फैमिली वेयर यू ऑल्सो गेट इतना पैम्परिंग, प्लस उतनी तुम्हारी खातिरदारी भी हो रही है, उतनी तुम्हारी बैंड भी बज रही है, सो बैलेंस हो जा रही है चीजें. सो आई वुडंट माइंड, बट मुझे लगता है आई एम ऑल्सो प्रीटी कूल. चलिए थैंक यू सो मच अंजलि, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू शो. Thank you so much, Anupama. Thank you. Thank you.